तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये दूसरा पार्ट है। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की पहली क्लासेस लास्ट क्लासेस में बताई थी आपको, आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने अपने हिसाब से हाईलाइट वगैरह करना सीखा था, आइकन्स का भी इस्तेमाल सीखा था। तो चलिए हम आइकन से ही आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने सिंपल सा एक एग्जांपल दिया। हमने यहाँ डेटा रखा हुआ है, मान लीजिए डेटा नहीं ये स्कोर है आपका। मुझे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे इंडिकेट करना है तीन चीजें कि जो 60 से ऊपर है, ग्रेटर देन 60 है, वो है हमारे पास कि वो पास हो चुके हैं, मतलब कि ऑफिस में इंटरनली टेस्ट हुआ है मान लीजिए। फिर हमने यहाँ पे रीटेस्ट का भी ऑप्शन दिया कि जो 40 to 60 है वो सही से और प्रिपेयर नहीं कर पाए, ऑफिस में काम वगैरह ज़्यादा थे इस कारण से, तो इनको हम रीटेस्ट का एक ऑप्शन देते हैं। और जो लेस देन 40 है वो फेल है, उनको रीटेस्ट नहीं करने देंगे, वो फेल है। अब ये चीज़ यहाँ मुझे इंडिकेट करनी है। तो जनरली इसके लिए हम लोग इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन में मैं जाके देखता हूँ तो मुझे एक एक आइकन जो है फिट बैठता है, जिसमें ए राइट का निशान मतलब कि पास है, स्पेशल मार्क मतलब कि रीटेस्ट है, और क्रॉस मतलब कि फेल है। हमने इसको अप्लाई कर दिया, बट ये हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग तो है नहीं। यहाँ पे देखिए 24 के हम स्पेशल मार्क कर रहे हैं, तो हमारा जो कंडीशन है लेस देन 40, यहाँ पे मैंने दे दिया, तो कैसे पता चलेगा? हमें कहीं भी इसको देने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, और किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एडिट करने के लिए उसको सिलेक्ट कीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ सबसे नीचे मैनेज रूल आता है, इस मैनेज रूल पे आप क्लिक करें, इसको ओपन करें, तो यहाँ पे आपके सामने दिखता है। सैयद जी आप अपना वेबकैम ऑफ कर लीजिए, तो जी अपना वेबकैम ऑफ कर लीजिए, वेबकैम ऑन चलिए आप, सही है जी। नहीं वेबकैम ऑन हो गया। वेबकैम ऑन से दिक्कत क्या होता है कि इंटरनेट की डबल डबल कनेक्शन हो जाती है ना सर, और वीडियो भी थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो जाता है, तो स्लो होने से स्क्रीन थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए परसेंट है, तो परसेंट की जगह पे हम यहाँ पे नंबर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ कि 60, और यहाँ पे दे देता हूँ हमारा 40। तो यहाँ पे नंबर, क्योंकि हमारा ये नंबर है इसलिए हम नंबर सेलेक्ट करेंगे टाइप में और अपनी कंडीशन देंगे। तो 60 से ऊपर वाले पे इस टिक का निशान देगा, 60 to 40 में इसमें से मार्क देगा, और 40 से नीचे आपका एक क्रॉस देगा। ओके कीजिए एंड ओके। लेकिन अब ये क्या क्या कैसे है इसको भी बताना जरूरी है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, नंबर देता हूं कि 3, तो यहां पे 3 2 एंड 1, और फिर इसके ऊपर हम अपना आइकन सेट इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन ये 1 2 3 नंबर दिख रहा है, ये गलत है, ये नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए भी आप मैनेज रूल में जाए, इस पे डबल क्लिक करें, और इस पे देखिए शो आइकन ओनली का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। अप्लाई करते ही आपका नंबर रहेगा बट विजुअल नहीं होगा, ठीक है सर? तो सैयद जी एंड अदिल जी आपको एग्जांपल समझ में आया? जी जी हाँ समझ में आ अच्छा रहा। अच्छा लगा ना सर। तो इसका हम लोग हाँ अपने सर। डैशबोर्ड बायोग्राफी ज्यादातर करते हैं, ठीक है ना? हाँ तो अभी तो मैं आपको कमांड बता रहा हूँ, लेकिन एक दो क्लास बाद या कल की अगली क्लास में ही हम आपको समझाएंगे कि मैं किस तरह से इसका यूज अपने रियल लाइफ के प्रॉब्लम में करते हैं, ठीक है? तो पहले आप समझिए कि हाउ कैन अप्लाई, उसके बाद दूसरी चीज। अब यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि हम जहां पे कर्सर, जहां पे सिलेक्शन कर रहे हैं, हम वहीं पे अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब यहां पे एक दिक्कत होती है कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा कंडीशन वहां पे अप्लाई हो जहां पे हमारा मैं चाहूं, मतलब कि मैं चाहता हूं कि सेल्स मोड को हाईलाइट करना अगर टोटल का 10% अगर 1000 से ऊपर होता है तो, सॉरी टोटल का 2%, टोटल का 2% अगर 1000 से ऊपर होता है तो इसको हाईलाइट करें। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट सिंगल सिलेक्ट करेंगे और यहां पे हम जाएंगे न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, क्योंकि इसमें हमें खुद की कंडीशन देनी है, कैलकुलेशन भी करना है, इसलिए तो यहां पे इक्वल करके हम टोटल का पहले तो 2% निकालेंगे और फिर कंडीशन देंगे कि वह 1000 से ऊपर है या नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है यहां पे देखिए कि फ्रेंड्स को इसने डॉलर साइन में लगा लिया, तो हमें इसको यहां से डिलीट करना होगा डॉलर को, ताकि जब हम इसको इसकी फॉर्मेट, क्योंकि हमने जो भी सिलेक्शन किया है सिंगल से सिलेक्ट किया है, जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में तो पूरी कॉलम सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एक सिंगल सेल को ही सिलेक्ट करेंगे। यहां पे हमने एक सिंगल सेल सिलेक्ट किया है और फॉर्मेट में जाके हमने अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी एंड ओके कर दिया, एंड फॉर्मेट प्रिंटर से जहां तक डेटा है वहां तक हमने इसको फॉर्मेट कर दिया। या पूरा का पूरा रो का फॉर्मेट करना चाहे तो भी आप पूरा का रो फॉर्मेट करेंगे तो पूरा का पूरा रो आपका कलर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला के एक दो एग्जांपल और हम करते हैं। जैसे कि मैं यहां पे मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मेरा मोबाइल नंबर, नहीं मोबाइल नंबर छोड़िए, पहले अकाउंट नंबर करता हूं, फिर अकाउंट नंबर लिखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इसमें अकाउंट नंबर में सिर्फ टैक्स एंट्री हो, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे एंट्री करने वाले हैं जो कि इस तरह से लिख देते हैं, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं ओनली फॉर अकाउंट नंबर एंट्री हो। तो कैसे करेंगे अकाउंट नंबर एंट्री, तो इसके लिए हम यहां पे हमारे पास फॉर्मूला होता है इज टेक्स्ट का। इज टेक्स्ट क्या करता है कि अगर यहां पे टेक्स्ट नहीं हुआ तो फॉल्स, अगर टेक्स्ट हुआ तो ट्रू, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आपका ट्रू पे ही वर्क करता है। तो जैसे कोई टेक्स्ट लिखेगा आपका यहां पे ट्रू हो जाएगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपना कलर अप्लाई कर देगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हम न्यू रूल्स में जाते हैं यूज फॉर्मूला और यहां पे देते हैं इज टेक्स्ट। और इज टेक्स्ट में हम इसको सेलेक्ट करते हैं, अब जाहिर सी बात है कि हम अपना डॉलर साइन हटा देंगे और यहां पे फॉर्मेट दे देंगे। और फॉर्मेट प्रिंसिपल, ठीक है सर, और जैसे आप टेक्स्ट डालेंगे क्लियर है, किसी को डाउट? नो सर। ऐसे मान लीजिए कि मैं यहां पे मोबाइल नंबर एंट्री करना चाहता हूं, इस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा। तो मोबाइल नंबर मैं चाहता हूं कि इंडिया के अंदर मोबाइल नंबर 10 डिजिट के होते हैं, तो 10 डिजिट से ज्यादा या कम हाईलाइटेड करूं, सॉरी ज्यादा या कम टाइप करूं तो वो हाईलाइट कर दे। तो सेल में कितना डिजिट टाइप है इसका पता लगेगा लेन फॉर्मूला से, क्या हो गया लगेगा लेन फॉर्मूला से। तो लेन फॉर्मूला बताएगा कि ए 10 डिजिट है या कितना डिजिट है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में आता हूं, न्यू रूल्स पे जाता हूं, यूज फॉर्मूला पे। अब यहां पे अगर आपने डायरेक्ट लगा दिया लेन फॉर्मूला कि लेन, और आपने कंडीशन दे दिया, अब यहां पे ग्रेटर देन लेस देन करना है, तो हमने यहां पे इकट्ठा दे दिया 10 डिजिट,
10 डिजिट से बड़ा या छोटा, नॉट इक्वल टू 10। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम होगा देखिए, मैं डॉलर से हटा दिया, अब मैं ओके करता हूं। जैसे हमने इसको टाइप किया, यहां पे आप देखेंगे कि आपका ब्लैंक सेल हाईलाइटेड हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहां पे लेन फॉर्मूला लगाया तो जीरो आया, और जीरो भी नॉट इक्वल टू 10 होता है। तो उस केस में मैं यहां पे जाऊंगा और यहां पे मैं दो कंडीशन लगाना है, एक नॉट इक्वल टू 10, नॉट इक्वल टू 10, और दूसरा करना है ग्रेटर देन 0। तो दो कंडीशन लगाने के लिए यहां पे एंड का फॉर्मूला या फिर और का फॉर्मूला लगता है। यहां पे एंड का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि मेरे पास दोनों कंडीशन है, वो दोनों रिक्वायर कंडीशन है। हमने यहां पे दिया कि पहली कंडीशन की लेन का रिजल्ट अगर नॉट नॉट इक्वल टू 10 है और लेन की रिजल्ट ग्रेटर देन 10 है, तो क्या हो, हाईलाइट हो जाए। तो यहां पे हमने एंड ही क्यों चूज किया, क्योंकि मेरे पास दोनों कंडीशन जो है वो दोनों रिक्वायर कंडीशन है, इसलिए। तो दोनों कंडीशन क्या है, रिक्वायर कंडीशन है, इसलिए एंड ओके अप्लाई एंड ओके। क्लियर फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल हमने कर दिया। अब इससे फॉर्मेट पेंटर लेते हैं और इसको पेंट करते हैं। एक मिनट, इसमें क्या दिक्कत आ गया? अच्छा हाँ, हमने डॉलर साइन नहीं डिलीट किया था। तो यहां पे हम अगर डिजिट कम लिखते हैं तो हाईलाइट हो जाएगा, अगर ज्यादा लिखेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा, बट ब्लैंक पे हाईलाइट नहीं करेगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े। ओके आगे बढ़े। अब अगला ऑप्शन आता है कि इसमें और का यूज कब करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाते हैं। मैंने यहाँ पे नेम दिया और यहाँ हम देते हैं डेट, दिसंबर का डेट हमने लिया और एंट्री कर दिया, और यहाँ पे मैं देता हूँ अपना टेक्स्ट का फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूला ने क्या किया कि डेट का संडे मंडे निकाल के दे दिया, हमने टेक्स्ट फॉर्मूले में इन कोड डाल दिया ट्रिपल डी। अब मुझे हाईलाइट करना है कि जिसमें सैटरडे एंड संडे हो वो हाईलाइटेड हो। यहां पे एंड नहीं लगा सकता क्योंकि एंड बोलता है रिक्वायर कंडीशन, तो दोनों कंडीशन जितने भी कंडीशन दो या दो से ज्यादा कंडीशन वो रिक्वायर होने चाहिए, बट यहां पे क्या है ये ऑप्शनल है, खाए तो संडे होगा या सैटरडे होगा, दोनों नहीं हो सकता। तो यहां पे हम न्यू रूल्स पे जाएंगे, यूज फॉर्मूला, और यहां पे फॉर्मूला देंगे और का इक्वल और में हम सिलेक्ट करेंगे इसको कि अगर ए इक्वल टू संडे है कॉमा, वापस इसको सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे इक्वल टू सैटरडे। लेकिन
हमें डॉलर साइन डिलीट करते समय मैं इस पर कॉलन का डॉलर साइन डिलीट करूंगा और फिर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दूंगा, देन ओके, देन ओके, और फिर फॉर्मेट सॉरी सर तो एंड कहां पे यूज करना है और कहां पे यूज करना है ये समझ में आ गया। सैयद जी, आदिल जी, जी जी को डाउट इसमें जी जी सर। अब चलिए इसमें एक और कंडीशन हम बता दें, मोबाइल नंबर से रिगार्डिंग है या फिर अकाउंट नंबर से मान लीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है, तो हमने वन लिखा और यहाँ भी वन लिखा और यहाँ भी ऑन लिखा। तो कल हमने बताया था कि किसी भी डुप्लीकेट को हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाते हैं एंड डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम कि मेरा तीनों हाईलाइट हो गया, मैं सिर्फ इसमें हाईलाइट करना चाहता हूँ दूसरा, मतलब कि ये दोनों हाईलाइट हो जाए, पहला नहीं हो, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं डिलीट करने में, इसको डिलीट करना, इसको डिलीट करना, इसको छोड़ देना है। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है काउंट इफ का, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर मान लीजिए मैं पूरा लगा दूं, जैसे ट्रेडिशनल है जब सबको लगाता है, तो उसमें तीन इसको भी देगा, अगर मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ तीन इसको भी देगा, तीन इसको भी देगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं चाहता कि भाई इसको वन दे काउंट, इसको टू दे काउंट और इसको थ्री दे काउंट, मतलब कि आई वांट टू मेक द सीरियल नंबर अकॉर्डिंग द रिपीटेशंस। तो उस केस में हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इफ, और काउंट इफ में हम इसको सेलेक्ट करते हैं उसे A2 एंड कॉमा अगेन A2, और फिर इसको कॉपी करते हैं और यहां पेस्ट करेंगे, यहां पेस्ट करेंगे। तो देखिए नहीं, मुझे फेस करने से पहले फ्रीज करना पड़ेगा इसको, फ्रीज मैंने कॉपी, फिर यहां हमने पेस्ट कर दिया, फिर यहां हमने पेस्ट कर दिया, तो वन टू थ्री तीनों दिख रहा है आपको ये। तो सेम फीचर्स हम यहां अप्लाई करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला एंड इक्वल टू यहां देंगे हम काउंट एफ, और फिर यहां देते हैं ए टू से लेके ए टू और कॉमा ए टू, और यहां पे हमने दे दिया इज ग्रेटर देन वन, और पहले बार ए टू को फ्रीज करेंगे ताकि एब्सोल्यूट हो जाए, जब नीचे ड्रैग करूं तो ड्रैग ना हो, एंड फॉर्मेट अपनी जो फॉर्मेटिंग है वो हमने सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके, एंड ओके इसको लिया और फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया। सर साहिद जी, सर यहाँ पे हमने A2 को फ्रीज किया है ना? हाँ, पहले बार A2 को फ्रीज किया क्या? तो फ्रीज अगर मैं फ्रीज इसलिए किया कि अगर मैं यहाँ ड्रैग करूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे ड्रैग हुआ ना सर, तो हमारा A2 से A5 हुआ, मतलब कि जहां फॉर्मूला लग रहा है वो हमेशा उससे ऊपर वाले तक का ही काउंट करेगा, नीचे काउंट नहीं करेगा। मेरे को अगर सारे रो में हाँ तो ड्रैग कर दीजिए ना इसको, हमने इसको ड्रैग इसको लेके ड्रैग मार दीजिए, ठीक है। हेलो, इसमें अकरिंग जो है वो जो हो रहा है एक मरता दो मरता, वो इससे नहीं आएगा फॉर्मेटिंग चलते, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अलग से। हाँ फॉर्मूला मैं इसको हटा में तो एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, फॉर्मूला तो मैंने इसके कंडीशनल वर्डिंग के अंदर ही लगा दिया ना। लेकिन इसने तो हाईलाइट किया ना, नंबर तो नहीं बताया ना सर, नंबर के लिए तो फॉर्मूला यूज करना, ये तो हाईलाइट ही होगा ना सर।
इस तरह से इस्तेमाल हम करते हैं, इसमें कोई भी फॉर्मूला और कोई भी चीजें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ भी प्रॉब्लम आती है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने अभी आपको मैं 4-5 फॉर्मूले का बताया, लेकिन क्या है कि अभी हमने फॉर्मूले को पढ़ा नहीं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की टोटल 3 क्लास होती है, तो 2 तो मैं अभी देता हूँ, तीसरी क्लास हम देते हैं आपको फॉर्मूला को खत्म करने के बाद। तो फिलहाल हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को होल्ड करते हैं, अगली कंडीशनल क्लास हम देंगे कब, जब हम फॉर्मूला सीख जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर में और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले वगैरह हैं, वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप ऐसे मत लीजिए, आप जब भी आप न्यू में जाइएगा तो आपको यहाँ पे ग्रांट प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखता है, रिपोर्ट भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ही बनाई गई है। ये जो कलर जो चार्ट चार्ट दिख रहे हो आप, चार्ट नहीं है, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है सर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बहुत अच्छा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये मतलब कि एक बहुत बड़ी चीज है सर, इसको हल्के मत लीजिए सर। देख रहे कितना अच्छा, कितनी मैंने बेहतरीन रिपोर्ट बनाई है, और इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही मेन काम कर रहा है। तो इसके बारे में आगे हम बताएं, अभी तो जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि अभी हम एडवांस लेवल पे नहीं गए, क्योंकि फॉर्मूले की कमी है। अब मैं फॉर्मूला पढ़ाऊँ आपको, फॉर्मूला समझ में ना आए तो पहले फॉर्मूले को समझ ले, देन हम इजीली इसको यूज करेंगे इसमें। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हर बार हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, समझे। जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अभी एक एक यहाँ पे एक दिख रहा है आपको कि मेरे पास एक रिजल्ट रिकॉर्ड्स है, मैं यहाँ पे जो नंबर डालना चाहता हूँ, जो 80 डालना चाहता हूँ, तो मुझे ये 80 को हाईलाइट, इसमें जहाँ जहाँ 80 है वो हाईलाइटेड हो जाए। तो इसमें जनरली लोग फॉर्मूला लगाते हैं, बट फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको सेलेक्ट करें और जाए इक्वल टू में, और यहाँ पे जो मैनुअली हम 50-60 लिखते हैं, हम इस पे किसी सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज कि आप जो है इसके ऊपर एक से ज्यादा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग कलर, ठीक है। अब मैं यहां पे 60 लूंगा तो 60 आ जाएगा, समझ में आ गया। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल कर मुझे उसके 5-7 एग्जाम्पल बना के भेजें। कल की जो अगली क्लास की जो टॉपिक होगी हमारी, वो अगली क्लास की टॉपिक होगी प्रोटेक्शन मेथड, कि किस तरह से आप अपने शीट को डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग जिन्होंने रिकॉर्ड किया उनको सिस्टम में मिल जाएगी, जिन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया उनको मैं भेज दूंगा, ओके जी ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय बाय।